घनिया थाना पिछोर अनुविभाग अंतर्गत खोड कस्बे में रहने वाले एक 3 साल के बच्चे की मंगलवार शाम बीमारी से मौत हो गई। वहीं मृत बच्चे के पिता का कहना है कि खोड में मौजूद एक झोलाछाप डॉक्टर से बच्चे का इलाज करा रहे और उसी डॉक्टर के कारण उनके बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे का PM कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पूर्व में भी झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक में कई मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया, पर अभी भी झोलाछाप डॉक्टर संजय गुप्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मासूम की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका पूरा नाम उन्हें भी नहीं पता था, बोले संजय डॉक्टर के हम 4-5 दिन पहले अपने बच्चे को दिखाने गए थे क्योंकि उसको बुखार था, और वहाँ से जब लेके आए हैं तो उसके बाद उसकी हालत जैसी थी वैसी बनी रही, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। और उनका कहना ये है कि वो डॉक्टर ने जो दवाई ली थी उसकी वजह से वो बीमार हुआ है, और डॉक्टर की तरफ से बोले कि 2-3 सीरप दी थी उसको बच्चे को पिलाने के लिए, और कल रात को 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक उनकी तरफ से ये पता चला है, और PM करा है, उसका रिपोर्ट उसकी जब आती है तो बाकी निष्कर्ष पता चलेगा कि उसमें क्या निकला है। ओ भाई गैस बनने मेरे संत आए, और मेरे संत आए भाई साहब सुबह बनना, और बनना कहता है कि ठीक है ले आओ, मैं जो अच्छा कार है हमें कहता हूँ ना जानना है जाना, और हमें जाने ऐसे मोड़ आए और ले आए 10 बजे रात के ले आया था, 2 दिन से फिर दे रहा है, और बस ऐसे बस मोड़ा बिल्कुल कुछ ना ही कभी सही होगा। इसकी जानकारी पुलिस में की आपने? हाँ पुलिस में नहीं की, आप आज शाम क्या गए थे पुलिस में? ये संजय डॉक्टर ने ठेका ले रहा हुआ था। किस चीज़ का? इलाज का। हाँ मान लो रोज मैं ही इलाज करूंगा, ऐसे कहीं मत ही ले जा। इसमें पैसे लिए तो उसने? हाँ 5,000 रुपया लिए। तो इसकी तबीयत खराब हुई तो आप बाहर क्यों नहीं लेके गए? जाने नहीं दिए था। क्या बोलता था? मैं ठीक करके दे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, घनिया थाना।